जनपद रुद्रप्रयाग के 3 दिवसीय भ्रमण पर सचिव भाषा उत्तराखंड शासन विनोद प्रसाद रतूड़ी ने विकास भवन सभागार में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बता दें कि 30 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को बेहतर ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए। इसी के तहत जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान सचिव भाषा ने पाया कि जल जीवन मिशन के तहत कार्य धीमी गति से किए जा रहे हैं और दूरस्थ क्षेत्र में निवासरत ग्रामीणों को योजना का लाभ समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की और जल निगम के अधिशासी अभियंता को सख्त निर्देश दिए कि इस योजना के तहत जो भी कार्य किए जाने हैं उन कार्यों को तत्परता से करते हुए आम जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। रुद्रप्रयाग से संवाददाता सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। सरकार जनता के द्वार ऐसा कार्यक्रम है और उत्तराखंड को सशक्त बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उसी क्रम में अलग अलग सचिव, प्रमुख सचिव जिलों के भ्रमण पर हैं, ड्यूटी लगी है उनकी। आज मेरा रुद्रप्रयाग का था इस महीने का, इसके क्रम में ये दौरा हो रहा है और पहले मीटिंग की गई है। इसमें जो जल जीवन मिशन के कार्यों से प्रसन्नता है, अभी सुक्की में भी ये थोड़ा कम कर पा रहे हैं उसको। अभी भी कुछ गांव में जो है पानी टैंकरों के माध्यम से शायद पहुँचाया जा रहा है लीन सीजन में, गर्मियों में, उनके लिए सुधार के लिए बोला गया है। बाकी आपके अच्छे काम हो रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में, मत्स्य में, कृषि में अभी और काम किए जाने की जरूरत है।